Hi friends, welcome to my YouTube channel and myself Sudhir Jirobe and my channel name is Civil with Sudhir. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको KPSC ड्राफ्टमैन का जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का पेपर जो है सॉल्यूशन और उसका आंसर जो भी है फिर मैं आज इस वीडियो में दो पार्ट में उसको डिवाइड करके करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस और फास्ट कवर करूँगा, जितना हो सके उतना मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखने कंटिन्यूस ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मत भूलिए फ्रेंड्स, मेरा चैनल का नाम है सिविल विद सुधीर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 456 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार शल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। देखिए फ्रेंड्स, आपको थिकनेस ऑफ द स्लैब के लिए कभी भी 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब रहना चाहिए, जो भी आप मैक्सिमम डायमीटर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट लेंथ एज पर IS 456 इज गिवन बाय। ओके, जहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ करते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स के लिए जहाँ पे आप डिज़ाइन करते हैं, नहीं तो जहाँ पे आप कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन करते हैं, राइट, जहाँ पे भी आप कैंटिलीवर या अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो उस डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला यहाँ पे पूछ रहे हैं, उसका फार्मूला है LD=πτS=τBD। ठीक है, तो ये ओनली आपको फार्मूला पूछ रहे हैं तो उतना ही आप याद रख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, depth of compression force from the extreme fiber in compression zone in limit state design for balance section is। ओके, ये प्योर आरसीसी का क्वेश्चन है, आरसीसी डिजाइन का। तो depth of compression force from the extreme fiber, ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे ऐसा जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम रहेगा और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, और ये जो रहेगा आपका, ये जो यहाँ पे लोड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोड अप्लाई करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, तो जब आप डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, तो उसका फार्मूला जो यहाँ पे है 0.42 XQ। ओके, XQ इज नथिंग बट वो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो XQ इज द लिमिटिंग वैल्यू, 0.42 XQ इसका फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। XQ मैक्स बाई D वैल्यू टेकन इन लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर FE 250 ग्रेड स्टील इज। ओके, सो यहाँ पे तीन ग्रेड जो है 250, 450, ठीक है, 415 और 500 जो है, उसके लिए जो भी यहाँ पे आप लिमिटिंग वैल्यू है, ओके, वो लिमिटिंग वैल्यू का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वो इसी के ऊपर फार्मूलाज भी है ना, तो 0.53 यहाँ पे 250 के लिए 0.53 और 41 के लिए 0.44 और 0.48 ऐसा है, तो आपको इसका आंसर 0.53 टिक करना होगा। ठीक है, इसका आंसर 0.53। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर इज टेकन एज डैश ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू कभी भी देखिए 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन रहेगा। जब भी आप डिसमेंटल करेंगे या बिल्डिंग को पूरा डिसमेंटल करके नया करना है, नहीं तो पूरा इसको कोलैप्स करके जो भी आपको वैल्यू आएगा उसका 10% रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ सेगमेंटल आर्च ऑफ ए स्पैन एल एंड राइज आर। तो अगर आपको एक सेगमेंटल आर्च, ठीक है, ऐसा आर्च है, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसका एरिया आपको फार्मूला है 2/3 × L × R। ठीक है, 2/3 × L × R। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड OPC आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन। ओके, ये अच्छा याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी देखिए अगर 33 ग्रेड अगर आप यूज़ कर रहे हैं OPC पोर्टलैंड सीमेंट, तो उस मिनिमम 16 MPa जो है 3 डेज में आना चाहिए, उसके बाद जो भी है 7 डेज में 22 तक आएगा, उसके बाद 28 डेज में 33 Nm/mm स्ट्रेंथ आ जाएगा, राइट, सो इसका आंसर हो गया 16 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज बाय। ठीक है, ड्राई रॉट बोले तो ये एक प्रॉब्लम रहता है टिम्बर में, अगर आप ज़्यादा वेंटिलेशन करेंगे तब ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ड्राई रॉट मीन्स पूरा अंदर जो मॉइस्चर कुछ भी नहीं रहेगा टिम्बर में, तो उससे क्या है, वो लैक ऑफ वेंटिलेशन ज़्यादा हुआ तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ द कॉलम इज नॉट पॉसिबल ऑन वन साइड ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबल स्पेस वी कैन गो फॉर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फाउंडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो लिमिटेड स्पेस है तो कभी भी क्या करना चाहिए हमको, क्या है देखिए ऑप्शंस क्या दिए वो भी देखना चाहिए। कैंटिलीवर फुटिंग वो तो नहीं आएगा, इन्वर्टेड आर्क फुटिंग नहीं आएगा, आइसोलेटेड तो नहीं आएगा, और कंबाइंड फुटिंग आ जाएगा। ओके, तो स्पेसिंग भी ज़्यादा नहीं रहेगा तो आप कंबाइंड फुटिंग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डैश टाइप ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट लोड अदर देन इट्स ओन। ठीक है, सो डैश टाइप ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड, तो लोड बेरिंग जो वॉल रहेगा वो लोड जो भी है स्लैब का, वो जो भी है सुपर स्ट्रक्चर का, सब स्ट्रक्चर को डिवाइड करेगा। डिवाइड मीन्स वो क्या है, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो लोड बेरिंग वॉल जो भी है लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर, तो आंसर हो जाएगा लोड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्माइट्स विच कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट मेंटेनिंग कनेक्शन विद द सॉइल आर। ओके, तो जो भी टर्माइट्स है वो उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब टेरन टर्माइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ द इंटल शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द इंटल के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट वही है, इसका आंसर 1/12 to 1/8 ऑफ द स्पैन विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ 80 mm। ठीक है, अगर वैल्यूज नहीं दिए तो आपको मिनिमम 80 mm लेना होगा, नहीं तो मैक्सिमम ऑफ 1/12 to 1/8 ऑफ द स्पैन। ओके, स्पैन कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द डोर साइज, ओके उसका लेना चाहिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ड्राइंग दिया है उन्होंने, फॉलोइंग टाइप ऑफ कारपेंट्री जॉइंट इज वुड इज नेम्ड एज, यहाँ ये कौन सा जॉइंट है बोल के पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाउलेटेड हेल्विंग जॉइंट। ओके, जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करे होंगे ये, तो आपको ये याद रखना होगा कौन से टाइप के जॉइंट्स है, ये एक नया क्वेश्चन है, वो आप भी याद रख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोर एरिया रेशियो इज इक्वल टू, फ्लोर एरिया रेशियो, देखिए फ्लोर एरिया रेशियो बोले तो जितना भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओके, और आपका जो प्लॉट एरिया है उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका फ्लोर एरिया रेशियो मिल जाएगा, राइट। तो हम उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। नेक्स्ट वन, द फिलेट कमांड, देखिए यहाँ पे ऑटोकैड के बारे में पूछा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है बहुत। द फिलेट कमांड इन ऑटोकैड क्रिएट्स राउंड कॉर्नर, राउंड कॉर्नर के लिए फिलेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फिलेट कमांड के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर फ्लोर स्लैब व्हेन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स आर यूज। ओके, सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ रहे हैं स्लैब के लिए, तो आपको तो मालूम ही है 0.12% ऑफ टोटल ग्रॉस सेक्शनल एरिया बोल के हम जो फार्मूला यूज करते हैं, तो आपको 0.12 आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, एज कम्पेयर टू शॉप रिवेट्स द फील्ड रिवेट्स आर, आपको मालूम है वीकर सेक्शन रहेगा। ठीक है, शॉप रिवेट जो भी है फील्ड रिवेट से कभी भी वीकर ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कोएगुलेंट एलम इज। ओके, एलम जो कोएगुलेंट के लिए जो वेस्ट वाटर में जो ऑक्साइड्स और जो बैक्टीरियाज रहेंगे उसको रिमूव करने के लिए, उसको फूड के जैसा उसको सप्लाई करके उनको रिमूव करने के लिए जो एलम यूज करते हैं कोएगुलेंट एलम, उसका यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहे हैं, Al2SO4318H2O, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन ब्रिज इंजीनियरिंग द अफ्लेक्स मीन्स। ओके, तो यहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन पूछा है, अफ्लेक्स बोले तो क्या बोल के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अफ्लेक्स बोले तो देखिए कभी भी फ्रेंड्स, हेडिंग अप ऑफ द वाटर लेवल बिलो द ब्रिज। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, ये यहाँ पे ऐसा आर्च है बोल के समझिए, तो ये जो है, ठीक है, ये जो है इसका जो वाटर लेवल रहेगा वो आपका हो गया अफ्लेक्स। ठीक है, हेडिंग अप ऑफ द वाटर लेवल बिलो द ब्रिज। ठीक है, हेडिंग अप ऑफ द वाटर बिलो द ब्रिज, कितना वाटर है वो लेवल को हम बोलते हैं अफ्लेक्स, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी डैम्स ट्रांसफर द लोड्स टू द फाउंडेशन बाय, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहे हैं, ग्रेविटी डैम्स जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैसे करेगा। ओके, बाय द कैंटिलीवर एक्शन,
राइट बाय द कैंटिलीवर एक्शन जो भी है राइट उससे वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरसेप्ट ऑफ द स्टाफ, इस सर्वे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, द इंटरसेप्ट ऑफ द स्टाफ इज, इंटरसेप्ट बोले तो कभी भी फ्रेंड्स जो जब आप रीडिंग देखते हैं स्टाफ रीडिंग, ओके, जो स्टाफ रहता है टॉप मिडल और बॉटम, तीन रीडिंग जो आते हैं मिडल छोड़ के टॉप और बॉटम लेके जिसको भी आप डिडक्ट करके रखते हैं, जब आपका वैल्यू आएगा वही आपका स्टाफ इंटरसेप्ट, दैट इज मिनिमम इफ द लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। ओके, वो अगर आप नॉर्मली हेल्ड करेंगे तो तभी वो मिनिमम रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर ए सिंपल कर्व द रेडियस ऑफ द कर्व इज 500 मीटर एंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन इज 110 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। इसके लिए फार्मूला एक है फ्रेंड्स, आप यूज कर सकते हैं, एल इक्वल टू पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री। ठीक है, सो वो आप यूज करने के बाद आपको पाई इंटू आर, ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, पाई आर डेल्टा डिवाइडेड बाय 180, राइट। सो आर आपको दिया है, डेल्टा भी दिया है, तो आप लेंथ ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं। तो जब आप वो फार्मूला में अप्लाई करेंगे तब आपको 610.944 मीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए टैकोमीटर हैज अ डायफ्रगम विथ 3 क्रॉस हेयर्स स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 mm एंड द फोकल लेंथ इज 240 mm, देन द टैकोमेट्रिक मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम के जैसे आपको पूछ रहे हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओनली टैकोमेट्रिक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो कभी भी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है 100 रहेगा और एलईडी कांस्टेंट 0 रहेगा। इसको हम के से डिनोट करते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और जो एलईडी कांस्टेंट है उसको सी से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 20 मीटर चेन वॉज 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, इट वॉज यूज टू मेजर ए लाइन एंड रिजल्ट वॉज 210.1 मीटर and the true length of the line is। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर के लिए मैं आपको बता दूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ। तो इसके लिए टोटल लेंथ, सॉरी ट्रू लेंथ इक्वल्स एल डैश डिवाइडेड बाई एल इंटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, तो एल डैश बाई एल, और एल डैश कैसे कैलकुलेट करना चाहिए मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर बता दूंगा। तो देखिए, तो एल डैश के लिए टू शॉर्ट दिया है, तो टू शॉर्ट के लिए देखिए कितना मेजर किया है, 20, तो 20 माइनस टू शॉर्ट, कभी भी शॉर्ट दिए तो आप माइनस करना चाहिए, तो 20 माइनस 0.2 किया तो आपको 19.8 आ जाएगा। तो 19.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू मेजर्ड लेंथ 210.1, 19.8 कैसा है आपको मालूम हो गया, टू शॉर्ट है, 20 में 0.2 माइनस करना चाहिए, 9.8 आएगा, 19.8 डिवाइड बाय 20 कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई विद द मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 207.99 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द परसेंटेज ऑफ लाइम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट वेरीज बिटवीन, कभी भी सीमेंट में लाइम का परसेंटेज 62-67% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्क्वायर फुटिंग्स ऑफ एरिया A1 एंड A2 आर रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ए प्योरली कोहेसिव सॉइल, द रेशियो ऑफ A1 बाई A2 इक्वल टू 2 इफ द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग एरिया A1 इज 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then the ultimate bearing capacity is kilonewton per meter square of the footing having an area A2 is। friends, इसका भी question मुझे भी थोड़ा doubt है, ये answer मैं आपको further videos में इसको update कर दूंगा। ठीक है, so next question, for a frame structure which statement is not correct, frame structure देख बोले तो friends, जब आप isolated footing करके उसको column, beam और slab जब आप कैस्टिंग करेंगे उसको हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑल द वॉल्स लोड बेरिंग, ओके, ऑल द वॉल्स आर लोड बेरिंग वॉल्स, तो ऑल द वॉल्स रेस्ट ऑन द प्लिंथ बीम, करेक्ट है। कॉलम्स जो भी है डीप रहेगा, आप सबसॉइल में प्रोवाइड करेंगे, कॉलम बीम एंड स्लैब्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय SSC। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द वॉल्स आर लोड बेरिंग वॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when proper hard ground is not available for the standards to rest or the construction work to be carried out for the upper part of the multi-story building, the type of scaffolding is used,
तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो नीडल स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। तो नीडल स्कैफोल्डिंग के लिए प्लीज़ आप गूगल में जाके देख सकते हैं नीडल स्कैफोल्डिंग बोले तो क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल दैट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट फॉर सॉइल एट फाउंडेशन एंड प्लिंथ इज। ओके, तो ये एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सटेंसिवली जो यूज़ करते हैं सॉइल के लिए, उसका नाम है एल्ड्रिन। ठीक है, एल्ड्रिन ये याद रख लीजिए, आप रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है। द लॉन्गर एंड द टेंजेंट लेंथ ऑफ ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर विल बी इक्वल इफ द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन इज। ओके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए देखिए, जब ऐसा कर्व रहेगा, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट यहाँ से यहाँ रहेगा, ठीक है, ये राइट, इसका उन्होंने ये तो आपका लेंथ ऑफ लॉन्गकॉर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे वो एंगल पूछ रहे तो 120 डिग्री रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं फ्रेंड्स। फॉर 12DT21 डिजाइन डोर साइज ऑफ द डोर फ्रेम विल बी। ओके, ये यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, जैसे ही वो मार्केट में यूज करते हैं उसके ही जैसा ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये इसका जो 12DT21 का जो डोर साइज डोर फ्रेम रहेगा 1190mm x 2090mm, तो ये स्टैंडर्ड का एक लिस्ट रहेगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये, नंबर ऑफ ट्रेड्स इन ए फ्लाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइज प्लस वन। स्टेटमेंट टू, टोटल नंबर ऑफ राइजर्स इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द राइजर्स। तो आपको यहाँ पूछ रहे कौन सा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट ये जो है फॉल्स रहेगा और स्टेटमेंट बी जो है करेक्ट है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इन फ्लाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर्स प्लस वन नहीं रहेगा, माइनस वन रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ओनली एक ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लॉट मेजर्स 12m x 18m एंड द बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट परमिसिबल FAR इज 2 एंड द मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया ऑन द प्लॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड इज। तो ये मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया कीजिए, तो आपको आंसर 432m² आ जाएगा। ठीक है, जो भी है 12x18 कीजिए, उसके बाद FAR जो है आप डिवाइड करने के बाद आपका आंसर 432m² आ जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड इन ऑटोकैड दैट इज यूज टू ब्रेक ए कंपाउंड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स कंपोनेंट सेपरेटली इज कॉल्ड एक्सप्लोड। ठीक है, कमांड इन ऑटोकैड दैट इज यूज टू ब्रेक ए कमांड ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक्सप्लोड, जो भी अगर ऑल पॉइंट्स एक तरफ है आपको उसको डिवाइड करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लोड कमांड यूज करना है आपको राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एन आरसीसी स्लैब इज डिजाइंड एज टू वे स्लैब। ओके, वेन इज आरसीसी स्लैब इज डिजाइंड एज टू वे स्लैब, तो टू वे स्लैब के लिए LY/LX कभी भी क्या है, लेस देन 2 रहना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th one। नेक्स्ट, नागपुर रोड प्लान इज बेस्ड ऑन। ओके, ये जो हाईवे में हाईवे का क्वेश्चन है, नागपुर रोड प्लान बेस्ड ऑन स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ओके, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न के ऊपर डिपेंड्स है। नेक्स्ट, इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ए horizontal curve of a highway, then on which portion of the road is put holes like to be developed? Okay, so ये potholes आना चाहिए, put holes आ गया है right? तो potholes कहाँ पे आएगा, तो outer edge में ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो inner edge में ज्यादा नहीं आएगा, outer edge में ही ये क्या है ज्यादा आ जाएगा। Next question, the alignment of the bridge of the right angles to the flow of river is called square alignment. Okay, alignment फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको स्केच ड्रॉ करके बता देता हूँ। ऐसा अगर रिवर फ्लो हो रहा है, आपका जो ब्रिज रहेगा, ठीक है, आपका ब्रिज ऐसा परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ये आपका रोड, ठीक है, ये रिवर, ठीक है, ये रिवर राइट। तो रिवर ऐसा फ्लो हो रहा है तो आपका रोड ऐसा है, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर अलाइनमेंट। ओके, तो ये स्क्वायर अलाइनमेंट करना चाहिए, अगर आप परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे तो वाटर फोर्स जो भी आपका ब्रिज का जो भी फाउंडेशन है उसको अफेक्ट करने का चांसेस रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वाटर रिलीज एट ए रेट ऑफ 10m³/s एट द हेड ऑफ द कैनल इफ ड्यूटी ऑफ द फील्ड इज 1000 hectares/cubic एंड द लॉस ऑफ वाटर इन द ट्रांजिट इज 10%, द एरिया ऑफ द लैंड टू बी इरीगेटेड इज। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, और इसका भी थोड़ा क्या है डाउट है क्वेश्चन, बिकॉज जो डाटा है थोड़ा डाटा मिसिंग है, मैं आपको फिर से वेरीफाई करके और एक बार सेपरेट इसका ही एक वीडियो करके डाल दूंगा। अभी दो क्वेश्चन ऐसा ही है इसमें, इसीलिए ये डाउट है,
और इसमें भी ये क्वेश्चन जो ग्रेस दिए थे वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन में डाटा में कुछ फॉल्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर ए फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ए केस ऑफ थ्री फेज पावर सप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, येलो एंड ब्लैक कलर्ड वायर्स आर यूज फॉर द एक्टिव कंडक्टर फॉर द एक्टिव सॉरी एक्टिव कंडक्टर एंड ब्लू कलर फॉर द न्यूट्रल कंडक्टर। ए माइनेचर सर्क्यूट ब्रेक्स आउट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट ड्यूरिंग अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द नेटवर्क मीन्स ओवरलोड एज वेल एज इन द फॉल्टी कंडीशन। ये जो रेलवे के जो सिग्नल्स रहते हैं उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिए है उन्होंने, तो उसको ही आपको देख के देखना है, देख के आंसर देना है। सो स्टेटमेंट ए क्या है, फॉल्स है एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है। तो थ्री फेज पावर सप्लाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेड येल्लो एंड ब्लैक, ब्लैक कभी भी नहीं रहता फ्रेंड्स, ओके रेड रहता है येल्लो रहता है उसके बाद ग्रीन रहता है, ठीक है। ये देखिए ये एक उन्होंने क्या है गलत दे दिया है, तो आपको ये आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आर एल ऑफ ए, ये सर्वे का क्वेश्चन है। आर एल ऑफ ए फ्लोर एट ए बिल्डिंग इज 80.600 एंड स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज 1.325 मीटर एंड स्टाफ रीडिंग व्हेन इट इज हेल्ड इन्वर्टेड विद बॉटम टचिंग सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 2.1 मीटर देन द आर एल ऑफ द सीलिंग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट आर एल ऑफ द बिल्डिंग जो है 80.600 जो है इसमें आपको करना है 80.600, ठीक है। तो आर एल प्लस बैक साइड का रीडिंग जो है उसको प्लस कीजिए 80.600 1.325। ये प्लस करने के बाद हमारा कभी भी आप अगर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लिए तो हम अगर आपको आर एल मिलना है तो हम एफ एस में आर एल को माइनस करते हैं, ओके। तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो भी आर एल आता है 80.600 1.325 प्लस करने के बाद उसमें आपको 2.100 प्लस करना होगा, तब आपको आंसर आ जाएगा 84.025 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स 41 क्वेश्चन। यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 42 क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और पार्ट टू भी अभी आ रहा है उसको भी देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वन एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स।